नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे आपसे सी टेट का नया नोटिफिकेशन के बारे में। नया नोटिफिकेशन क्या आया है उस पर हम बारीकी से आपसे बात करेंगे और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सी टेट का जो तैयारी करना है आपको या नहीं करना है, आपका एक साल में रिजल्ट होगा या 6 महीना में आपका सी टेट का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको देखने को, तो इस सब चीज़ पे हम आपसे बारीकी से बात करेंगे। फिलहाल इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि सी टेट से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको चलते हैं कि सी टेट का न्यू नोटिफिकेशन क्या है। आपने देखा कि सी टेट में जो एग्ज़ाम हुआ 28 दिसंबर से लेकर आपका 7 फरवरी तक एग्ज़ाम चला। जब आपका 7 फरवरी तक एग्ज़ाम चला उसके बाद क्या होगा कि आपका 7 फरवरी के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 7 दिन बाद आपका एंसर की देखने को मिला। जब एंसर की आपको देखने को मिला उसके बाद 3 मार्च का आपका रिजल्ट मिला, यानी साल में पिछले बार एक ही एग्ज़ाम हुआ था लेकिन सी टेट उसको देखते हुए जल्दबाजी में काम किया इस बार, और 1 जुलाई से अगस्त में आपको देखने को मिलेगा नया नोटिफिकेशन या जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। उससे पहले आपको तैयारियां करनी है, आपको तैयारियां करनी है और आप कहीं भ्रम में मत जाइए। आपका एक नोटिफिकेशन जुलाई वाला जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा और एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही होगा। जुलाई अगर जा 1 महीना सेशन लिस्ट हुआ तो अगस्त में भी आपका एग्ज़ाम होगा, यह हम गारंटी और दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि सी टेट ने जो इतना जल्दबाजी में काम किया है और क्योंकि उनका मकसद है कि 1/7 चरण से पहले एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा हो, उसके बाद आपका ए स्टेट भी आने वाला है। तो आप तैयारी छोड़िए नहीं, तैयारी करिए और तैयारी में आज से ही शुरू कर दीजिए। तो कैसी लगी अपडेट हमारी, अच्छी लगी होगी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।